अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन सनास किचन पीके। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत मज़े में होंगे, अच्छे होंगे। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ। बहुत मज़ा आने वाला है आपको इस वीडियो में, इंशाल्लाह ताला आपको मेरी ये वीडियो हमेशा की तरह पसंद आएगी और इसको आप ज़रूर ट्राई करें इंशाल्लाह ताला। ये मैं आज जो आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ, ये चिकन मलाई बोटी रेसिपी है, जिसको आप मटन मलाई बोटी रेसिपी में भी बना सकते हैं। बहुत मज़ेदार रेसिपी है। चलें अब हम अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए ये हमने हाफ के जी चिकन लिया है, 500 ग्राम। सबसे पहले हम इसको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 हाफ कप ये क्रीम है, 1 कप ये दही, एक टेबल स्पून ये ग्रीन चिली है, इसको हमने क्रश कर लिया है। ये 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर है, 1 टेबल स्पून ये मैंने नमक लिया है, और ये रेड चिली क्रश हुई हुई जो होती हैं ये ले ली हैं। ये सबको हम इसमें कर देंगे। और अच्छे से इसको मैरिनेट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे मैरिनेट कर कर हम कम से कम 1 घंटे के लिए रख देंगे। अच्छे से मैरिनेट हो गया है हमारा चिकन। अब हम इसे 1 घंटे के लिए रख देते हैं। ये देखिए, इस चिकन को मैरिनेट हुए हुए 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है, और आप कम से कम 1 घंटा इसको ज़रूर मैरिनेट करें ताकि इसकी जो क्रीम है वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए। और अगर आपको एक टिप्स देती हूँ कि अगर आप इसको ग्रिल करके या सीहू मिलाकर बनाना चाहते हैं, तब भी आप इसी रेसिपी से बना सकते हैं बहुत इजीली। बस इसी इन्हीं बोटियों को आप सीहू में लगाकर ग्रिल कर सकते हैं। और अब हम अपना चिकन बनाना शुरू करते हैं। हमने ये पॉट रख दिया है गैस पर। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। और 1 टेबल स्पून हम ये बटर डाल रहे हैं। मैं ये चिकन मलाई बोटी बना रही हूँ, लेकिन अगर आप लोग मटन मलाई बोटी बनाना चाहते हैं तो आप इसी रेसिपी को फॉलो करें। उसकी रेसिपी भी सेम ऐसे ही है। बकरीद में आप मटन मलाई बोटी बनाएं, बहुत ही मज़ेदार होती है, बहुत टेस्टी होती है और बहुत इजी रेसिपी है। आप लोग बहुत आराम से इसको बना सकते हैं। ये
चार छोटी इलायची क्रश कर ली है, इसको इसमें डाल देते हैं। इसमें गर्म मसाला, ये दालचीनी, ये तीन स्टिक ली हैं, एक बड़ी है, दो छोटी छोटी हैं और तीन अदर ये लौंग की हैं। हमने एक बड़ी प्याज को चॉप कर लिया है, इस तरह से हम इसमें डाल देंगे। हमें इसे प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक इसे अच्छे से हम पका लेंगे, जब तक ये गोल्डन ब्राउन होती है। देखिए हमारी प्याज ये गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब हम इसमें ये चिकन ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह, हमें इसको इसके ही पानी में पकाना है, चिकन को पानी और ऐड नहीं करना है। ये हमने 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया है, हमने साबुत धनिया लेकर उसको हल्का सा रोस्ट करके और इसका ये क्रश कर लिया है। इसकी जो स्मेल है वो बहुत ज़बरदस्त आती है। क्योंकि हम इसमें पानी इसलिए ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इसमें दही भी है, दही भी पानी छोड़ता है और जो चिकन है उसका भी अपना पानी होता है, तो हमें इसमें ही इसको पकाना है। अब हम इसे सिम पर मीडियम टू लो फ्लेम पर 10 से 12 मिनट पकाएंगे। इसे हम कवर कर देंगे। दस बारह मिनट के बाद हम चेक करेंगे कि हमारी ये बोटियाँ गली, हमारे इस चिकन को पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम खोल कर देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखो देख लेते हैं चिकन हमारा गला है या नहीं। देखिए इसकी ये सारी बोटियां गल चुकी हैं, हमारा चिकन गल चुका है। हम अभी इसकी थोड़ी फ्लेम तेज करेंगे और इसमें हाफ कप दूध ऐड कर देंगे। और हम इसे कवर करके 5 मिनट पकाएंगे। 5 मिनट हो गए हैं, देख लेते हैं। देखें ये हमारा चिकन मलाई बोटी बिल्कुल रेडी है। अब मैं आपको इसमें एक टिप्स देती हूँ, अगर आपको बारबेक्यू पसंद है और आप लोग पसंद करते हैं तो बारबेक्यू स्टाइल अगर हमें देना है तो उसका मैं आपको एक टिप्स दे रही हूँ। इसको हम एक मांडी मट्टी की हांडी में
ले लेंगे और यहाँ से हम ये गैस जो है ऑफ कर देंगे। देखिए हमने इस माटी की हांडी में इसको सर्व कर दिया है। अब हम इसमें ये एक फॉइल का बॉल बना लिया, इसमें इस तरह से इसको हम रख देंगे और इसमें एक कोयला जो हमने गैस पर रख दिया था इसको इसमें रख देंगे। और रखने के बाद हाफ टी स्पून हम इसमें ऑयल डालेंगे। और इसको कवर कर देंगे 3 मिनट के लिए। लीजिए जनाब, तैयार हो गई हमारी चिकन मलाई बोटी। आप इसको ईद पर मटन मलाई बोटी बनाकर तैयार करें और सबको खिलाएं, खुद भी खाएं और इसका टेस्ट लें। ज़बरदस्त किस्म की ये चिकन मलाई बोटी बनी है हमारी। आप इसको मटन मलाई बोटी भी बनाएं और सबको सर्व करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने सभी दोस्तों में आप लोग मेरी वीडियो को इसको शेयर ज़रूर करें जैसा कि आप हमेशा करते हैं और मुझे दुआओं में याद रखें। चलती हूँ अब।